दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जोस बटलर के बारे में एक खास बात बताऊंगा जो कि आपके लिए इस मैच के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट रह सकती है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको केकेआर की तरफ से ऐसे दो प्लेयर के बारे में बताऊंगा जो कि आपके लिए इस मैच के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेज राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाले आईपीएल 2022 के मैच नंबर 47 के बारे में जो कि खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के ग्राउंड के ऊपर 2 अप्रैल को शाम को 7:30 पे मैच स्टार्ट होगा इंडियन टाइम के अनुसार। दोस्तों सबसे पहली बात, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी बात दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों इस वीडियो को लाइक के अच्छे कर दीजिएगा, आपके लाइक से काफी मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के गिव अवे कॉन्टेस्ट के बारे में। दोस्तों आप इस वीडियो के गिव अवे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके जीत सकते हो 2000 रुपए। पार्टिसिपेट कैसे करना है, आपको सिंपल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि आपके अकॉर्डिंग इस मैच में सबसे ज्यादा विकेट कौन सा बॉलर लेगा और सबसे ज्यादा कैच कौन सा फील्डर पकड़ेगा। और गिव अवे के रूल क्या है, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, उसके बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रिडिक्शन देनी है। और मोस्ट इंपोर्टेंट रूल क्या है, आपको वीडियो को पूरा देखना। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि आपके अकॉर्डिंग इस मैच में सबसे ज्यादा विकेट कौन सा बॉलर लेगा और सबसे ज्यादा कैच कौन सा फील्डर पकड़ेगा और पाइए 2000 रुपए जीतने का मौका। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट और पिच बिहेवियर के बारे में। दोस्तों आपको पता है कि ये मैच खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के ग्राउंड के ऊपर। दोस्तों इस ग्राउंड के ऊपर आईपीएल 2022 के अंदर 12 मैच खेलेंगे जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 6 और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 6 मैच जीते। यानी दोस्तों मैच तो कोई भी टीम जीत सकती है बैटिंग फर्स्ट या बैटिंग सेकंड, लेकिन दोस्तों अब ये वाला मैच खेला जाएगा 7:30 पे, तो थोड़ा सा सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम डोमिनेट कर सकती है। उसका मेन रीजन क्या दोस्तों, यहाँ पे आपको सेकंड इनिंग के अंदर ड्यू देखने को मिल सकती है। वही दोस्तों इन 12 मैचों के अंदर फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 167 रन है। दोस्तों अगर कोई टीम पहले बैटिंग करते हो 70 के आसपास रन बनाती है तो काफी डिसेंट स्कोर माना जा सकता है। अब दोस्तों आपको बता दूं कि वानखेड़े की पिच के ऊपर स्टार्टिंग के 4 ओवर काफी क्रूशियल होते हैं। अगर कोई टीम यहां पे स्टार्टिंग के 4 ओवर रुक के खेल लेती है तो वो हाई स्कोरिंग मैच खड़ा कर सकती है। और दोस्तों अगर कोई टीम स्टार्टिंग में विकेट गवा देती है तो वो स्कोर 160 के पास आपको देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों आपको एक खास बता दूं कि वानखेड़े के ग्राउंड के ऊपर 95% ऑफ टाइम जो टीम पहले बैटिंग करती है उसका टॉप ऑर्डर का एक बैट्समैन जल्दी आउट होता है। यानी दोस्तों अगर यहाँ पे कोलकाता की टीम पहले बैटिंग करे तो आप एरोन फिंच और वेंकटेश अय्यर में से किसी एक को ड्रॉप कर सकते हो, और अगर दोस्तों यहाँ पे बैटिंग करे राजस्थान की टीम तो जोस बटलर और देवदत्त पाडिकल में से आप किसी एक को ड्रॉप कर सकते हो। वहीं दोस्तों इस मैच में आपके लिए कोलकाता की तरफ से उमेश यादव और आनंद रसल काफी इंपॉर्टेंट रह सकते हो, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। और सबसे खास बात बता दूं दोस्तों, अगर ये वाला मैच खेला गया लास्ट जो मैच हुआ था उस पिच के अंदर, तो उस केस के अंदर पिच ड्राई होगी, और अगर पिच ड्राई होगी तो उस केस के अंदर यहाँ पे स्पिनर काफी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें कोलकाता की तरफ से सुनील नारायण डिसेंट रोल प्ले कर सकते हैं, वहीं दोस्तों राजस्थान की तरफ से यूजी चहल और रविचंद्र अश्विन इंपॉर्टेंट रह सकते हैं अगर ये मैच जो लास्ट मैच खेला गया था लखनऊ और दिल्ली वाला उस पिच पे हुआ तो, क्योंकि दोस्तों उस केस के अंदर वो पिच ड्राई हो सकती है। दोस्तों ये तो होगी ओवरऑल पिच रिपोर्ट की बात। अगर हम बात करें कोलकाता और राजस्थान की, तो दोस्तों कोलकाता की टीम ने इस ग्राउंड के ऊपर 3 मैच खेले जिनमें से 2 मैच जीते हैं, और लास्ट मैच खेला था दिल्ली के खिलाफ, वो मैच दिल्ली की टीम 4 विकेटों से जीत गई थी जिसके अंदर प्लेयर ऑफ द मैच थे कुलदीप यादव। उस मैच में दोस्तों कोलकाता की तरफ से श्रेयस अय्यर ने 42 रन बनाए थे, नीतीश राणा ने 57 रन बनाए थे, रिंकू सिंह ने 27 रन बनाए थे, उमेश यादव को 3 विकेट मिले थे, सुनील नारायण को 1 विकेट और हर्षित राणा को 1 विकेट मिला था। वहीं दोस्तों राजस्थान की टीम ने भी इस ग्राउंड के ऊपर 3 मैच खेले जिनमें से 2 मैच जीते। राजस्थान ने अपना लास्ट मैच खेला था दिल्ली के खिलाफ और वो मैच राजस्थान की टीम 15 रनों से जीत गई थी। उस मैच में दोस्तों राजस्थान की तरफ से जोस बटलर ने 116 रन बनाए थे, देवदत्त पाडिकल ने 54, संजू सैमसन ने 46, प्रसिद्ध कृष्णा को 3 विकेट, आर अश्विन को 2 विकेट और वाई चहल को 1 विकेट मिला था। यानी दोस्तों इस ग्राउंड के रिकॉर्ड के बेसिस पे आप कोलकाता की तरफ से ये प्लेयर इंपॉर्टेंट रह सकते हैं और दोस्तों राजस्थान की तरफ से ये प्लेयर इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। अब दोस्तों आपको एक खास बात बताता हूँ कि उमेश यादव ने कोलकाता ने इस ग्राउंड के ऊपर जो 3 मैच खेले हैं तीनों के अंदर कमाल का परफॉर्म किया है, और उमेश यादव के लिए काफी लकी चार्म है ग्राउंड। तो यहाँ पे दोस्तों उमेश यादव बहुत फोर शॉट जोस बटलर के सामने बोली करने आएगा, तो ये फैक्टर देखने वाला बात होगा कि उमेश यादव बटलर को आउट करेगा या नहीं करेगा। बाकी दोस्तों एक ग्राउंड के ऊपर 2 से 3 पिचेज होती है, तो फाइनल पिच रिपोर्ट मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज से डाउनलोड कर लीजिए, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आएगा कि आप माई 11 सर्कल ऐप को क्यों डाउनलोड करें, क्योंकि दोस्तों माई 11 सर्कल ऐप पे आप हर दिन जीत सकते हो 1 करोड़ रुपए और दोस्तों कॉम्पिटिशन तो बिल्कुल ही कम है। तो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारा कूपन कोड YT2022 यूज
यूज करोगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा फर्स्ट टाइम डिपॉजिट पे। इतना नहीं दोस्तों, अगर आप कोलकाता और राजस्थान के मैच में अपनी टीम से बीबीएस लक्ष्मण सर की टीम को हराओगे तो आपको मिलेगा 5 गुना कैश। और साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे लिंक से डाउनलोड करोगे तो आपको मिलेगा 1500 रुपए का साइनिंग बोनस। और साथ ही दोस्तों, आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। या फिर दोस्तों, आप हमारा कूपन कोड YT2022 यूज कर सकते हो, उसमें भी आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा। देखो दोस्तों, माई 11 सर्कल कमाल की ऐप है जिसके अंदर बिल्कुल कम कंपटीशन और आप मेगा लीग खेल के 1 करोड़ रुपए भी जीत सकते हो। तो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक कीजिए, माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड कीजिए और खेलना स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं प्लेइंग 11 ऑफ कोलकाता नाइट राइडर्स विद बैटिंग ऑर्डर। दोस्तों आपको बता दूं कि प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11 है, अगर इस प्लेइंग 11 में कोई एक या दो प्लेयर का चेंज होगा तो मैं आपको बाद में टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। और दोस्तों, अगर आपको अच्छी टीम बनानी है तो आपके लिए बैटिंग ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है। दोस्तों, कोलकाता की तरफ से लास्ट मैच में ओपनिंग करने आए थे एरोन फिंच और वेंकटेश अय्यर, और दोस्तों कोलकाता का ओपनिंग ऑर्डर अभी तक श्योर है नहीं, तो मैं फाइनल आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। या तो एरोन फिंच खेलेंगे या सेम बिलिंग खेलेंगे, इनमें से एक खेलेगा, जो खेलेगा वो ओपनिंग करने आ सकता है वेंकटेश अय्यर के साथ। हालांकि दोस्तों, टीम वेंकटेश अय्यर को भी ओपनिंग पे कभी एक बार नहीं भेजती है। उसके बाद दोस्तों, 3 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं श्रेयस अय्यर। यानी दोस्तों, अभी के लिए मान के सकते हैं कि 3 प्लेयर आपके लिए कोलकाता की तरफ से टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आ सकते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें इनके साथ में राजस्थान के कौन से बॉलर बॉलिंग करने आ सकते हैं, तो ट्रेंट बोल्ट और प्रसिद्ध कृष्णा स्टार्टिंग के ओर डालेंगे। उसके बाद पावर प्ले का एक और कुलदीप सेन डाल सकते हैं, और दोस्तों पावर प्ले में कुछ और आर अश्विन भी डाल सकते हैं। वहीं दोस्तों, कोलकाता की तरफ से मिडल ऑर्डर की कमान संभालेंगे नितेश राणा, बाबा इंद्रजीत, रिंकू सिंह और आंद्रे रसल, और बॉलिंग की कमान संभालेंगे सुनील नारायण, उमेश यादव, टीम साउदी और हर्षित राणा। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें राजस्थान के डेथ ओवर की बॉलर की, तो प्रसिद्ध कृष्णा, ट्रेंट बोल्ट, कुलदीप सेन और वाई चैल में से कोई डेथ में बॉलिंग कर सकता है, क्योंकि दोस्तों वाई चैल भी आजकल 17-18 ओवर डाल देते हैं। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कोलकाता की तरफ से सेफ ऑप्शन की, तो आपके लिए श्रेयस अय्यर सेफ है, नितेश राणा सेफ है, उसके बाद आपके लिए आंद्रे रसल सेफ है, सुनील नारायण सेफ है, उमेश यादव सेफ और टीम साउदी सेफ है। अब एक बात दोस्तों, कि यहाँ पे एरोन फिंच की वीकनेस है अंदर वाली बॉल, और दोस्तों यहाँ पे एरोन फिंच के लिए ट्रेंट बोल्ट और प्रसिद्ध कृष्णा काफी खतरा रह सकते हैं। वहीं दोस्तों, ये पिच ड्राई हुई या फिर ये वाला मैच सेम वाली पिच पे खेला गया जो लास्ट मैच खेला गया था, तो उस केस के अंदर आपके लिए यहाँ पे सुनील नारायण काफी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, आर अश्विन काफी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं और वाई चैल काफी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्लेइंग 11 ऑफ राजस्थान रॉयल्स विद बैटिंग ऑर्डर। दोस्तों राजस्थान की तरफ से आपके लिए ओपनिंग करते हुए दिखेंगे जोस बटलर और देवदत्त पाटीकल, और 3 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं संजू सैमसन। यानी दोस्तों राजस्थान के लिए ये 3 प्लेयर आपके लिए टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आ सकते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें इनके सामने कौन से कोलकाता के बॉलर बॉलिंग करने आ सकते हैं, तो उमेश यादव पहला ओवर लेके आ सकते हैं, टीम साउदी दूसरा ओवर लेके आ सकते हैं, पावर प्ले में एक ओवर हर्षित राणा डाल सकते हो, सुनील नारायण भी बॉलिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें राजस्थान की तरफ से मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन, तो शिमरोन हेटमायर, रियान पराग, डार्ली मिचेल या करुण नायर में से कोई एक खेलेगा, वो प्लेयर मिडिल ऑर्डर की कमान संभालेंगे। और दोस्तों आर अश्विन एक ऐसा प्लेयर है जो किसी भी नंबर पे बैटिंग करने आ सकता है। उसके बाद दोस्तों बॉलिंग की कमान संभालेंगे ट्रेंट बोल्ट, कुलदीप सेन, प्रसिद्ध कृष्णा और जुविंदर चहल। वहीं दोस्तों कोलकाता की तरफ से डेथ में बॉलिंग करने आ सकते हैं आंद्रे रसल और टीम साउदी, या फिर दोस्तों हर्षित राणा को भी टीम डेथ में मौका दे सकती है। अगर दोस्तों हम बात करें राजस्थान की तरफ से सेफ ऑप्शन, तो आपके लिए बटलर, सैमसन, उसके बाद दोस्तों आपके लिए ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा और जुविंदर चहल काफी सेफ ऑप्शन है। वहीं दोस्तों आपके लिए आर अश्विन भी काफी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं इस मैच के परस्पेक्टिव से। तो दोस्तों अगर हम बात करें केकेआर और राजस्थान के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, दोस्तों इन दोनों टीमों ने अब तक 26 हेड टू हेड मैच खेले, जिसके अंदर कोलकाता ने 13 मैच जीते और राजस्थान ने जीते 12 मैच। लास्ट मैच दोस्तों इसी टूर्नामेंट में खेला गया था, जिसके अंदर राजस्थान की टीम ने पहले बैटिंग करते 217 रन बनाए थे 5 विकेट पे, और कोलकाता की टीम मात्र 210 रन बनाए थे और 7 रनों से मैच राजस्थान ने जीता था, जिसके अंदर जुविंदर चहल थे प्लेयर ऑफ द मैच जिन्होंने 5 विकेट चटकाए थे। अगर दोस्तों इस मैच में बात करें कोलकाता की तरफ से, तो एरोन फिंच ने 58 रन बनाए थे, श्रेयस अय्यर ने 85 रन बनाए थे, नीतीश राणा ने 18 रन बनाए थे, आंद्रे रसल को 1 विकेट, शिवम मावी को 1 विकेट, सुनील नारायण को 2 विकेट और पैट कमिंस को 1 विकेट मिला था। वहीं दोस्तों इस मैच में राजस्थान की तरफ से जोस बटलर ने 103 रन बनाए थे, देवदत्त पाटीकल ने 24, संजू सैमसन ने 38, हेटमायर ने 26, चहल को 5 विकेट, अश्विन को 1 विकेट और प्रसिद्ध कृष्णा को 1 विकेट मिला था। अब दोस्तों देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे एरोन फिंच ने लास्ट मैच में 58 रन बनाए थे, लेकिन दोस्तों एरोन फिंच का रिकॉर्ड काफी खराब चल रहा है, तो काफी ज्यादा बंदे इस प्लेयर को ड्रॉप करने वाले, तो आप इस प्लेयर को अपनी ग्रैंड लीग की टीम में मौका दे सकते हैं। तो दोस्तों हम करते हैं प्लेयर कंपैरिजन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम प्लेयर कंपैरिजन करने वाले हैं सेक्शन वाइज, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे विकेट कीपर सेक्शन के बारे में। दोस्तों विकेट कीपर में आपका फर्स्ट चॉइस है जोस बटलर स्मॉल लीग की टीम में, और सेकंड चॉइस है संजू सैमसन, जिनका दोनों का रिकॉर्ड काफी अच्छा है। अगर दोस्तों आप ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो और अगर आप बटलर को ड्रॉप करने का रिस्क ले रहे हो, रिस्क बहुत बड़ा दोस्तों, अगर आप रिस्क ले रहे हो बोल रहा हूँ, उस केस के अंदर आप कुछ टीमों में सेम बिलिंग या बाबा इंद्रजीत में किसी को ट्राई कर सकते हो। बाकी दोस्तों जोस बटलर और संजू सैमसन आपके लिए दोनों सेफ चॉइस है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं बैट्समैन सेक्शन के बारे में। दोस्तों बैट्समैन हमारे पास कोलकाता की तरफ से नीतीश राणा 5 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं, लास्ट मैच में 57 रन बनाए थे, श्रेयस अय्यर 3 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं, लास्ट मैच में 42 रन बनाए थे, अजिंक्य रहाणे लास्ट मैच नहीं खेले थे, रिंकू सिंह खेले थे लास्ट मैच में 23 रन बनाए थे, एरोन फिंच ने लास्ट मैच में ओपनिंग की थी 3 रन बनाए थे, और वेंकटेश अय्यर ने लास्ट मैच में ओपनिंग की थी 6 रन बनाए थे। वहीं दोस्तों हमारे पास राजस्थान की तरफ से देवदत्त पाटीकल
ओपनिंग करते हैं, लास्ट मैच में 15 रन बनाए थे, वाई जेसवाल लास्ट मैच नहीं खेलते, शिमरोन हेटमायर 5 नंबर बैटिंग करने आ सकते, लास्ट मैच में 6 रन बनाए थे, आर वन रेड्यूशन लास्ट मैच नहीं खेले थे, ना ही करुण नायर खेले थे। दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आप टीम स्मॉल लीग के लिए बना रहे हो तो आपका फर्स्ट चॉइस है सुरेश अय्यर, सेकंड चॉइस है नीतीश राणा, थर्ड चॉइस है यहाँ पे देवदत्त पाटिकल, या फिर आप हेटमायर को मौका दे सकते हो। वहीं दोस्तों आप स्मॉल लीग की टीम में एरोन फिंच को भी मौका दे सकते हो। अगर दोस्तों आप ग्रैंड लीग की टीम बनाओ तो आप एरोन फिंच को याद से मौका दो, और अगर दोस्तों कोलकाता की टीम सेकंड इनिंग के अंदर बैटिंग करे उसके अंदर आप वेंकटेश अय्यर को मौका दे सकते हो। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन के बारे में। दोस्तों अगर ऑलराउंडर सेक्शन में सेफ चॉइस की बात करें तो सबसे पहले चॉइस है आंद्रे रसल, जिसको मस्ट पिक होना चाहिए आपकी स्मॉल लीग की टीम में। उसका दोस्तों सेकंड चॉइस आपके लिए सुनील नारायण, ये प्लेयर भी आपकी स्मॉल लीग की टीम में रह सकता है। उसके बाद दोस्तों आप आर अश्विन को भी अपनी स्मॉल लीग की टीम में मौका दे सकते हो, क्योंकि इस प्लेयर का रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है। वहीं दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो उस केस के अंदर आप अगर कोलकाता की टीम पहले बॉलिंग करे तो आप रसल को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों उस केस के अंदर रसल डेप्थ में बॉलिंग करने आएगा और बाद में सेकंड इनिंग में चेंजिंग करते टाइम रन भी बना सकता है। वहीं दोस्तों अगर पिच ड्राई हो उस केस के अंदर आप सुनील नारायण और आर अश्विन के में से किसी को कैप्टन या वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। बाकी दोस्तों अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो आप डार्ली मिशेल को मौका दे सकते हो अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन के बारे में। दोस्तों बॉलिंग हमारे पास कोलकाता की तरफ से उमेश यादव, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं, लास्ट मैच में 3 विकेट लिए थे। वहीं दोस्तों हमारे पास वरुण चक्रवर्ती लास्ट मैच नहीं खेले थे, ना ही शिवम मावी खेले थे, हर्षित राणा खेले थे जिनको 1 विकेट मिला था, टीम साउदी लास्ट मैच खेले थे जिनको कोई विकेट नहीं मिला था, और दोस्तों पैट कमिंग्स भी लास्ट मैच नहीं खेले थे। वहीं दोस्तों हमारे पास राजस्थान की तरफ से ट्रेंट बोल्ट लास्ट मैच के अंदर 1 विकेट मिला था, प्रसिद्ध कृष्णा को भी 1 विकेट मिला था, युजिंदर चहल को लास्ट मैच के अंदर 1 विकेट मिला था, और कुलदीप सैन को भी लास्ट मैच में 1 विकेट मिला था। दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आप टीम स्मॉल लीग के लिए बना रहे हो तो आपका फर्स्ट चॉइस है युजिंदर चहल, सेकंड चॉइस है ट्रेंट बोल्ट और प्रसिद्ध कृष्णा में से कोई एक, थर्ड चॉइस है उमेश यादव, और फोर्थ चॉइस आप दोस्तों यहाँ पे दे सकते हो टीम साउदी को। वहीं दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो उस केस में दोस्तों आप उमेश यादव को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, आप वाई चहल को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, और दोस्तों आप एक टीम ऐसे बना सकते हो जो टीम पहले बॉलिंग करे उसके आप ज्यादा बॉलर भी चूज कर सकते हो। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं टीम और टिप्स की। दोस्तों मैंने यहाँ पे माई 11 सर्कल ऐप की टीम बनाई है, बाकी आपको हर एक फैंटेसी प्लेटफॉर्म की टीम हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस टीम में मैंने विकेट कीपर में लिया जोस बटलर और संजू सैमसन को, बैटिंग में लिया श्रेयस अय्यर और नितेश राणा को, ऑलराउंडर में लिया आंद्रे रसल और सुनील नारायण को, बॉलिंग में लिया वाई चहल, उमेश यादव, आर अश्विन और प्रसिद्ध कृष्णा को। दोस्तों मैंने यहाँ पे 10 प्लेयर चूज किए, मैं 11वें प्लेयर में क्यों चूजूं कि मैं यहाँ पे एरोन फिंच को मौका दूं, देवदत्त पाटिकल को मौका दूं, या हेटमायर को मौका दूं, या मैं किसी ऑलराउंडर सेक्शन में से किसी और प्लेयर को चूज करूं, तो वो चीज मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। अगर दोस्तों इस टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो स्मॉल लीग में सब बंदे बटलर को कैप्टन बनाएंगे, उसके बाद अय्यर को कैप्टन बनाएंगे, उसके बाद सैमसन को कैप्टन बनाएंगे। आप क्या कर सकते हो, अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहो तो आप आंद्रे रसल को साथ जा सकते हो। बाकी दोस्तों अय्यर, सैमसन और बटलर तीनों सेफ ऑप्शन है। अगर आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो तो आप इन्हीं के साथ जाइए, अगर आप रिस्क लेना चाहो तो आप आंद्रे रसल को बना सकते हो, सुनील नारायण को बना सकते हो, उमेश यादव को बना सकते हो, वाई चहल को बना सकते हो। बाकी दोस्तों एक बार फिर से बता दूं कि डेमो टीम इसमें एक या दो चेंज हो सकते हैं, फाइनल आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। वहीं दोस्तों अभी तक अगर आपने माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो यहां से डाउनलोड कर लीजिए, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों माई 11 सर्कल ऐप पे आप हर दिन जीत सकते हो 1 करोड़ रुपए, और दोस्तों कॉम्पिटिशन तो बिल्कुल ही कम है। और दोस्तों जो आपको नीचे हमारा कूपन कोड दिख रहा है YT2022, अगर आप ये यूज करोगे डिपॉजिट करते टाइम तो आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा। तो जल्दी से वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और खेलना स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से कोलकाता और राजस्थान के बीच होने वाले मैच की प्रेडिक्शन, पिच रिपोर्ट और प्लेइंग 11। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये वाली वीडियो मैं आज थोड़ी इसलिए बना दूं कि आज थोड़ा सेटअप में दिक्कत है, मैंने थोड़ा काम करवाया, तो आज ही ऐसी क्वालिटी आएगी, आगे आपको इससे बेटर क्वालिटी दिखने वाली है। धन्यवाद। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क।